नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहना मंडी में हैं और प्याज में क्या अपडेट रहा, कितनी आवक देखने को मिली, कैसा बाजार चला, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हम हैं श्री चार भुजा आलू भंडार पर और प्याज की क्वालिटी आप देख सकते हैं। और चलिए जान लेते हैं आज का क्या अपडेट रहा। कैसे हो सर? अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर आज प्याज में क्या अपडेट रहा, सबसे पहले तो आवक की बात कर लेते हैं, आवक कितनी है? आवक क्या है कि वैसे देखो एमपी आ रही है ज़्यादा और एक अपने पीलीपत्ती आ रही है यहाँ की लोकल। अच्छा जी। और ये अपने अजमेर के पास की आ रही है थावला की, गोपालगढ़ आ रही है, गोपालगढ़ मथानिया आ रही है। आवक तो क्या है वैसे लगभग कल जैसी है, ज़्यादा है नहीं। आज तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 125-150 साधन होंगे सर। 20-19 ज़्यादा है वैसे, ज़्यादा कोई खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन माल बिक रहे हैं वैसे बढ़िया। बिल्कुल सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा मैं, प्याज जैसे महंगा हो रहा है तो वहाँ आप बेचते हो रिटेल में, तो मतलब बेचने में क्या दिक्कत आती है कुछ? महंगा कैसे हो गया? अच्छा जी, महंगा कैसे हो गया? कैसे हो गया? अच्छा, तो सर उनको ये बोलो ना कि अब अभी तो ये कुछ महंगा नहीं हुआ है, 30 रुपये ही हुआ है, आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा जाएगा, तो आप ऐसा करो एक कट्टा खरीद लो पहले। बोले कट्टे में सड़ जाएगी तो क्या करेंगे फिर? हम बढ़िया वाला माल खरीदो ना, आप कट्टे में कैसे सड़ जाएगी? रखने को जगह नहीं, हमको तो आधा किलो दे दो 15 रुपये की। तो उन्होंने कहते भैया अगर रखने की जगह नहीं है तो भाव भी लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो सर आज अगर बात करें नासिक वाले प्याज की, तो नासिक वाला क्या पोर्शन रहा? नासिक वाला देखो बढ़िया माल 35 रुपये बिक रहा है। 35 रुपये तक बाजार है, 30 से 35 का बाजार है। बढ़िया, और बढ़िया माल आ भी नहीं रहे हैं, बहुत कमाल। वाला एमपी बेचा है मैंने 32 रुपये। अच्छा जी, अच्छा, वहाँ पर भी आएंगे। और सर बात करें अगर देसी प्याज की, पीली पत्ती वाले की, ये वाला 26 रुपये। 26 रुपये ऊपर में? हाँ जी, ऊपर में ये वाली गाड़ी खाली हुई। अच्छा, ये वाली गाड़ी थी। और अगर मंडी की बात करें तो ऊपर में 26 है या उससे भी ज्यादा? ऊपर में 26 रुपये ही है। 26 रुपये नीचे 10 घंटे ऊपर भी गए हैं, 27 रुपये तो कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर माल 25-26 रुपये बिक रहे हैं सर। वैसे शिकायत इसमें भी आने लग गई है सर, कार्बन की शिकायत, कालेपन की आने लगी। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कार्बन की शिकायत। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे में क्या पोजीशन बता रहे हो? नीचे में 22-23। 22-23। और सर ये वाला कहाँ का है सर? ये वाला अजमेर के पास का है। अजमेर के पास का है ये वाला। 32 रुपये क्वालिटी आती है, छोटी साइज भी है, बड़ी साइज भी है, देख सकते हैं। और प्याज की क्वालिटी बढ़िया है। तो सर क्या बाजार रहा है सर इसका? ये वाला 30 रुपये। 30 रुपये का बाजार रहा, अजमेर के पास का प्याज है, बहुत बढ़िया। ये वाला 32 रुपये। और सर ये वाला कहाँ का है? ये वाला एमपी का है, 32 रुपये दिया है। 32 रुपये का प्याज है, एमपी वाला प्याज है। शिकायत तो हर प्याज में आ रही है सर, ये देखिए इसमें भी गलन वाली शिकायत आ रही है, देख सकते हैं। और क्वालिटी शानदार भी है, पर ये देखो अंदर से देखो ये प्रॉब्लम है। प्याज देखने में तो बहुत ही साफ सुथरा प्याज नजर आ रहा है, इसमें 30 कटा, पर अंदर से सर चाकू है क्या? चाकू तो मंगवाना पड़ेगा। ये देखिए अंदर से बिल्कुल ही कंडीशन खराब है, ये देखिए अंदर से दिक्कत आ रही है सर इसमें भी। तो ये 32 रुपये बता रहे हो? 32 रुपये बिक भी गया है। बिक भी गया है, बहुत बढ़िया। नीचे में क्या पोजीशन रही इसमें? नीचे में समझो एमपी की 22-23 रुपये। 22-23 रुपये। तो मोटा मोटी रूप से देखें तो प्याज अगर देखो एक गोल्टा गोल्टी साइज है, वो क्या पोजीशन पे रहा? गोल्टा गोल्टी बिकी 20-22 रुपये, 23 रुपये। अच्छा जी, और एक एवरेज प्याज की बात करें तो वो क्या भाव? एवरेज प्याज बिकी 25-28 रुपये। 25-28 का बाजार है। और सुपर क्वालिटी का जो प्याज आता है वो? सुपर क्वालिटी का 30 रुपये से बाहर है, 30-32 रुपये। वो जैसा ऊपर मांसाखोरी जैसा मिल जाए उस हिसाब से, बहुत बढ़िया। तो कल से आज में कुछ तेजी है या फिर वही है कल वाला ही बाजार? कल वाला सही है, 1-2 रुपये की तेजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आने वाला समय और कैसा देख रहे हो सर? आने वाले समय में प्याज क्या आएगी, जैसे कांच में दिखता है ना वैसे दिख रहा है, तेजी रहेगी, अब की बार मंदी नहीं रहेगी। अच्छा जी, उतार चढ़ाव जरूर होते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन तेजी के 100% चांस है, क्योंकि सर जो प्याज आ रहा है हल्का बनता जा रहा है, रोग लग रहा है इसमें, गलन की शिकायत ज्यादा आ रही है, और ये कार्बन चढ़ रहा है, तो धीरे धीरे प्याज खराब भी हो रहा है गर्मी की वजह से। ये क्या है कि खराब हो रहा है, वैसे माल क्या है रुकने की स्थिति में नहीं है वैसे। बिल्कुल, आने वाले टाइम में क्या है कि वैसे प्याज के बहुत ही अच्छे भाव मिलेंगे वैसे। बिल्कुल, तो अपना हल्का प्याज है उसको निकालते रहे, बढ़िया प्याज को अभी उसको रोक सकते हैं, यानी ये भी नहीं है देखो ज्यादा तेजी का भी आप उसमें नहीं रहो कि सारा प्याज आप रोक दो,
और प्याज में शिकायत है। हल्के मालू को तो निकालते रहना चाहिए, बिल्कुल वाले मालू को निकालते रहना चाहिए, हर तरह के भाव लेने चाहिए किसान को। बहुत बढ़िया सर। तो सर अपना मोबाइल नंबर 99281 28131। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके सर।